गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। तो आज की वीडियो जो मैं बना रही हूँ वो टॉलेंस रिएजेंट के ऊपर बना रही हूँ। टॉलेंस रिएजेंट जो है वो एक इम्पॉर्टेंट रिएजेंट है केमिस्ट्री लैब का, जिसे हम यूज़ करते हैं टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड एंड कीटोन बोथ आर कार्बोनिल कंपाउंड, यानी हैविंग सी डबल बॉन्ड ओ ग्रुप, बट विद द हेल्प ऑफ टॉलेंस रिएजेंट वी कैन डिफ्रेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। एल्डिहाइड जो है वो वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की प्रेजेंस में ऑक्सीडाइज हो जाते हैं इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, बट टू ऑक्सीडाइज कीटोन वी नीड स्ट्रॉन्ग और एलिवेटेड और विगरस कंडीशन। दैट मीन वेरी वेरी हाई टेम्परेचर इज नीडेड टू ऑक्सीडाइज कीटोन इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड। सो ड्यू टू दिस रीजन वी यूज टॉलेंस रिएजेंट विच इज अ वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट विच इज कैपेबल ऑफ ऑक्सीडाइजिंग ओनली एल्डिहाइड बट नॉट कीटोन। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही शो करूंगी कि जो टॉलेंस रिएजेंट है वो एल्डिहाइड और कीटोन को किस तरीके से डिफ्रेंशिएट कर सकता है। आज प्रैक्टिकल भी बता रही हूँ, उसका थ्योरी भी शो करूंगी कि इन अ लैब हम कैसे परफॉर्म कर सकते हैं इस एक्सपेरिमेंट को। तो टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट सॉल्यूशन विच इज कलरलेस बेसिक सॉल्यूशन। तो अब ये बेसिक क्यों है? क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट इज अमोनिकल सिल्वर नाइट्रेट, तो इसमें कोई बेस का तो वर्ड आया ही नहीं। लेकिन बेटा जब हम इसकी प्रिपरेशन करते हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन, तो उस प्रिपरेशन में आपको पता चलता है उसकी रिएक्शन जो हम यूज करते हैं, जो उसकी प्रिपरेशन यूज करते हैं, कि जो टॉलेंस रिएजेंट है एक्चुअली वो बेसिक सॉल्यूशन होता है। टॉलेंस रिएजेंट को बनाने के लिए कौन कौन से रिएजेंट की रिक्वायरमेंट है वो मैंने वीडियो बनाई है टॉलेंस रिएजेंट की प्रिपरेशन के लिए, कि हम खुद कैसे टॉलेंस रिएजेंट को लैब में बना सकते हैं। 11th, 12th लेवल तक आपको स्कूल में टॉलेंस रिएजेंट बना हुआ मिलता है, बट इन फ्यूचर इन हायर क्लासेस इन BSc और इन MSc आपको वो खुद प्रिपेयर करना होता है। तो वो वीडियो भी मैंने बना रखी है, उसका लिंक जो है मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर करूंगी आपको। तो आप वहां से अगर आप इंटरेस्टेड हैं कि अगर आपको देखना है कि हम रिएजेंट जो हम लैब में डायरेक्टली यूज कर रहे हैं उनको हम खुद कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आता है कि हाँ आप भी कुछ कर सकते हो, आप भी कुछ ना कुछ नया क्रिएट कर सकते हो जो आप सिर्फ मतलब रेडीमेड यूज कर रहे हो। तो ऐसे ही जो टॉलेंस रिएजेंट है उसकी वीडियो मैंने बना के डाली है बेटा। तो टॉलेंस रिएजेंट को हम प्रिपेयर कर सकते हैं वो अलग पॉइंट है। आज हम कर रहे हैं कि टॉलेंस रिएजेंट को हम यूज कैसे करेंगे टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन एल्डिहाइड एंड कीटोन। तो वी नो डेट एल्डिहाइड कैन ऑक्सीडाइज यूजिंग माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड टॉलेंस रिएजेंट इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो जब हम टॉलेंस रिएजेंट डालते हैं एल्डिहाइड के अंदर, तो एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज इनटू कार्बोक्सिलिक एसिड, वेयर अ सिल्वर जो टॉलेंस रिएजेंट है इज रिड्यूस इनटू सिल्वर। टॉलेंस रिएजेंट जो है वो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता, क्योंकि जो कीटोन है उनको ऑक्सीडेशन के लिए बेटा बहुत स्ट्रांग कंडीशन चाहिए, विगरस कंडीशन चाहिए, यानी स्ट्रांग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट चाहिए, एलिवेटेड टेम्परेचर चाहिए। तो विद द हेल्प ऑफ दिस टॉलेंस रिएजेंट विच इज अ माइल्ड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हम कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाते हैं। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल शो कर रही हूँ, उसका एक्सपेरिमेंट शो कर रही हूँ किस तरीके से आप एल्डिहाइड और कीटोन को डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले मैं जो सैंपल ले रही हूँ वो है फॉर्मल्डिहाइड। इस फॉर्मल्डिहाइड के प्लेस पर आप कोई भी एल्डिहाइड ले सकते हो, क्योंकि टॉलेंस रिएजेंट एलिफैटिक एज वेल एज एरोमेटिक दोनों टाइप के एल्डिहाइड को ऑक्सीडाइज करने की पावर रखता है, यानी वो एलिफेटिक एल्डिहाइड को भी कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट करने की टेंडेंसी रखता है, और वो एरोमेटिक एल्डिहाइड लाइक बेंजल्डिहाइड उनको भी वो ऑक्सीडाइज करने की पावर रखता है, कैपेबिलिटी रखता है। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे जो एल्डिहाइड चूज किया है फॉर्मल्डिहाइड, दिस फॉर्मल्डिहाइड ऑल्सो नोन एज मिथेनल। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, क्लीन टेस्ट ट्यूब लेंगे और अराउंड 1 मिलीलीटर हम क्या डालेंगे इसमें, अराउंड 1 या 2 मिलीलीटर हम इसमें फॉर्मल्डिहाइड को ट्रांसफर करेंगे। तो ये मैंने इसमें फॉर्मल्डिहाइड को ट्रांसफर किया है बेटा। अब हम लेंगे बेटा टॉलेंस रिएजेंट, ये हमारा टॉलेंस रिएजेंट है जो कि रेडीमेड है, बना हुआ है। तो जब हम इस टॉलेंस रिएजेंट को इसमें ट्रांसफर करेंगे, तो
तो आप देख रहे हो कि ब्लैक शाइनिंग आपको दिखाई दे रही है, ब्लैक कलरेशन आपको दिखाई दे रही है, यानी जो सिल्वर है वो धीरे धीरे डिपॉजिट होता जा रहा है ऑन इनर वॉल्स ऑफ टेस्ट ट्यूब। तो अच्छी खासी जो है सिल्वर शाइनिंग आ गई है टेस्ट ट्यूब पर, यानी सिल्वर डिपॉजिट हो गया है ऑन द इनर वॉल ऑफ टेस्ट ट्यूब। इट इंडिकेट द ऑर्गेनिक कंपाउंड इज एल्डिहाइड। हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या था बेटा? एल्डिहाइड था, ठीक है। अब मैं ले रही हूँ नेक्स्ट टेस्ट ट्यूब और अब मैं आपको शो करूंगी कीटोन का टेस्ट, कीटोन का रिएक्शन टॉलरेंस रिएजेंट के साथ। हमें पता है जो कीटोन है उसको विग्रस कंडीशन चाहिए, एलिवेटेड टेम्परेचर चाहिए, तो वो इस टॉलरेंस रिएजेंट के साथ नेगेटिव टेस्ट शो करेगा। नेगेटिव मतलब कोई भी सिल्वर मिरर फॉर्म नहीं करेगा। तो दिस इज एसीटोन जो कि हमारा सबसे छोटा कीटोन होता है, क्योंकि कीटोन में एसीटोन विच इज प्रोपेनॉन सबसे छोटा कीटोन है, जिसे हम अपने नेल पॉलिश रिमूवर वगैरह में यूज करते हैं, तो इसकी स्मेल से आप आइडेंटिफाई कर लोगे। तो ये मैंने लिया एसीटोन और एसीटोन में डाल रही हूँ बेटा टॉलरेंस रिएजेंट अगेन। तो जब आप टॉलरेंस रिएजेंट डालोगे तो इसमें कोई सिल्वर मिरर फॉर्म नहीं होगा। ये मैंने डाल दिया टॉलरेंस रिएजेंट, आप देख रहे हो कोई इसमें सिल्वर मिरर नहीं बन रहा है, ठीक है। तो यूजिंग दिस टॉलरेंस रिएजेंट हम एल्डिहाइड और कीटोन में क्या कर सकते हैं? डिफरेंशिएट कर सकते हैं। तो वो ऑर्गेनिक कंपाउंड जो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर बनाएगा वो हमारा एल्डिहाइड होगा। तो बेटा वो कीटोन को ऑक्सीडाइज नहीं कर पाता है टॉलरेंस रिएजेंट। अच्छा, टॉलरेंस रिएजेंट एक्सेप्शनल केस भी है बेटा, कार्बोक्सिलिक एसिड को किसी को ऑक्सीडाइज नहीं करता एक्सेप्ट फॉर्मिक एसिड जिसे मिथेनोइक एसिड बोलते हैं। तो मिथेनोइक एसिड को भी जो टॉलरेंस रिएजेंट है वो कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीडाइज करता है एंड सिल्वर मिरर फॉर्म करता है। अच्छा, आपको और पॉइंट्स बता रही हूँ इसमें और क्या क्या होता है कि जैसे मैंने तो फॉर्मल्डिहाइड से आपको सिल्वर मिरर बना के दिखाया जिसमें हीटिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है, हीटिंग की नीड ही नहीं है। आपने क्या किया, अपना सैंपल लिया फॉर्मल्डिहाइड, उसमें टॉलरेंस रिएजेंट डाला तो इमीडिएट सिल्वर मिरर बन गया था। मैं आपको फिर से शो कर देती हूँ, ये सिल्वर मिरर बना हुआ है, सिल्वर डिपॉजिट हो गया है, तो इसे हम सिल्वर मिरर बोलते हैं। लेकिन अगर आप लोगे एसिटाल्डिहाइड जिसे हम इथेनॉल बोलते हैं या बेंजाल्डिहाइड लोगे तो उसमें आपको हीटिंग की नीड है, वाटर बाथ लगाओगे, ट्राइपॉड स्टैंड लोगे, उसका भी मैं आपको शो करूंगी। तो उसमें टाइम लगता है आपको क्योंकि हीटिंग के बाद ही आप क्या कर सकते हो, टॉलरेंस रिएजेंट फॉर्म कर सकते हो। तो बेंजाल्डिहाइड हो गया, अदर एल्डिहाइड हो गए, तो आपको तो बेटा बेंजाल्डिहाइड अगर है या आपका अदर एल्डिहाइड है तो उसको आप वार्म करोगे वाटर बाथ में। तो पहले आप अपना सैंपल लोगे, उसमें टॉलरेंस रिएजेंट डालोगे, वाटर बाथ में पानी को गर्म करोगे, वाटर को गर्म करोगे और अपने टेस्ट ट्यूब को उसमें रख दोगे। तो आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व कि उसमें सिल्वर जो शाइनिंग है वो आपको दिखाई देगी, क्योंकि जो अदर एल्डिहाइड है वो थोड़ा सा टाइम लेते हैं सिल्वर मिरर फॉर्म होने में, ऑक्सीडाइज होने में। तो मैंने आपको बेस्ट टेस्ट बताया फॉर्मल्डिहाइड का जो कि इमीडिएट सिल्वर मिरर फॉर्म करता है और आपको इसमें वार्म करने की भी रिक्वायरमेंट नहीं है। तो एक मैंने एक्सेप्शन बताया आपको फॉर्मिक एसिड जो है सिर्फ एक कार्बोक्सिलिक एसिड वही है जो टॉलरेंस रिएजेंट के साथ सिल्वर मिरर फॉर्म करती है, क्योंकि टॉलरेंस रिएजेंट जो है फॉर्मिक एसिड को भी ऑक्सीडाइज करने की पावर रखता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू सिल्वर। तो नेक्स्ट वीडियोस में मैं आपको फेलिंग सॉल्यूशन की वीडियोस दिखाऊंगी, क्योंकि फेलिंग सॉल्यूशन भी एक ऐसा रिएजेंट है जो कि एल्डिहाइड और कीटोन को डिफरेंशिएट करता है।